सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस बी एंड टी सेल्स के बारे में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यह टॉपिक आपके मेन्स में तो प्रश्न नहीं आएगा यह प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है इवोल्यूशन ऑफ इम्यूनिटी ये भी प्रिलिम्स के लिए दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स साइंस एंड टेक और ये सब क्वेश्चंस जो आते हैं इवोल्यूशन थ्रू आ लेयर्स ऑफ फूड चेन ये भी प्रिलिम्स का टॉपिक है सब कल के पेपर के टॉपिक्स हैं हॉर्सेस इन एंशियट इंडिया हिस्ट्री का टॉपिक आपका बन जाता है ये भी प्रिलिम्स में पूछा भी गया है यू में तो ये भी uh, आपका है ठीक है स्पेस इंडस्ट्री एंड बायो सिक्योरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी पेपर थ्री का इस पर कुछ मतलब एक नई रिसर्च आई है और वो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे स्पेस इंडस्ट्री में हैम्पर जो स्पेस इंडस्ट्री है इट में हैम्पर ओवरऑल वी कैन से जो स्पेस uh, इंडस्ट्री है वो किस तरीके से बायो सिक्योरिटी अफेक्ट कर सकती है uh, जो नया वेरिएंट है अब उस पर आर्टिकल्स आते रहेंगे आपके ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का ठीक है आई थिंक आप में से बहुत ही कम लोगों ने इसको रीड भी किया होगा क्योंकि uh, या फिर आपने न्यूज़ में भी सुना होगा हमारे यहाँ कवर नहीं किया गया लेकिन uh, मतलब इंडिया में सेवन स्केल का आर्थ को एक पेरू में आया है ठीक है तब न्यूज़ तो ये आती है कि अर्थक्वेक आया इसमें ये आ, नुकसान हुआ ये सब है लेकिन क्वेश्चन ये है कि वाई अर्थक्वेक इज़ अ कॉमन फेनोमेना इन पेरू ठीक है तो ये जोग्राफी का मीन्स का प्रश्न आपके लिए बन जाएगा तो इस पर हम थोड़ा सा विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और वाई और वाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक इन पेरू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फिर आपका प्रीलिम्स का टॉपिक है और आखिर में मेंस का मेंस का भी ज्योग्राफी पर बेस्ड जो है प्रश्न है जो अर्थ को इन पेरू है उसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज सौरभ पांडे सो आप ये देख सकते हो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रे वाटर आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन आप रीड कर लो कमेंट सेक्शन में जो है आप अपना इसका आंसर दे सकते हो सेशन के आखिर में विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एक रीड करो पॉज करो और कोशिश करो कि जस्ट uh, सी कि आप इस क्वेश्चन का क्योंकि क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है वेदर यू आर एबल टू आंसर इट और नॉट तो फर्स्ट दिसंबर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे जो प्रिलिम्स का आपका सेशन है जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था तो वो वी आर गोइंग टू डिस्कस तो देखो टारगेट मीन्स 2021 मतलब आंसर राइटिंग ऑलरेडी इट्स गोइंग ऑन ग्यारह बजे होगा आज भी होगा मंडे टू तो फ्राइडे उसके बाद प्रिलिम्स का भी सेशन आपके स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हम लोग कई जो टॉपिक्स हैं प्रिलिम्स स्पेसिफिक उसको कवर करते रहेंगे पी डी मैं आपसे शेयर करूंगा आप उस फिर बाद में उसको सॉल्व कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो इस तरीके से रहेगा तो ये सारी चीज़ें हैं और अन से अभी तक अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जुड़ें क्योंकि थर्टीथ नवंबर तक आपका ऑफ़र चल रहा है जैसे थ्री का एक्सटेंशन है और भी बहुत ऑफर से ज्वाइन करेंगे टेस्ट सीरीज़ है और सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं और जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं सभी की आपकी जो लाइव क्लासेस है वो आपकी जो लाइव क्लासेस है वो लाइव क्लासेस आपकी होती हैं इस बार कई सारे टॉपर्स भी अना से उन्होंने पढ़ा है उसके बाद अगर देखेंगे थ्री मंथ्स फ्री एक्सटेंशन है अगर आप ज्वाइन करेंगे अगर आप जियो और जी एस या फिर जो प्लस सब्सक्रिप्शन कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं और एक्स्ट्रा ये जो डिस्काउंट आप देख सकते हैं ये भी है तो यहाँ पे ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं ये सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज के लिए ये ऐसा नहीं है कि आप एक एजुकेटर के कोर्सेज के बारे में कर रहे हो सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज के लिए है ये आपको ध्यान में रखना है और जब आप ज्वाइन करते हैं तो अन एकेडमी के अंदर ग्रेट एक्सपीरियंस भी आपको रहता है पर्सनल कोचिंग है डाउट सॉल्विंग है इवेलुएटेड टेस्ट सीरीज़ है डेली आंसर राइटिंग है सब कुछ आपका अवेलेबल रहता है जो बैच कोर्सेस आएंगे नए बैच कोर्सेज ट्वेंटी के लिए ट्वेंटी के लिए ट्वेंटी के लिए पूरे साल भर सबको आप एक्सेस कर सकते हो मतलब अपनी प्रिपरेशन आप कर सकते हो शुरू करते हैं पहला जो टॉपिक है कोवैक्सिन एलिस एलिसिट्स इम्यून मेमोरी टू वायरस स्टडी फाइंड अब देखो जैसे मैंने आपको कहा कि जो प्रश्न आपके प्रिलिम्स में बनते हैं खास तौर से बायोलॉजी और इन सबसे रिलेटेड जो होते हैं वो पेपर में आते रहते हैं उन्हीं पर बेस्ड प्रश्न इस बार भी आपके बने हैं अगर आप उनको थोड़ा सा पढ़ोगे तो वो पेपर में आए हैं और उन्हीं पर बेस्ड आपका जो प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम हुआ है तो यहाँ पे जब आप उन क्वेश्चंस को देखोगे तो कभी आपको उसको करंट अफेयर्स का नहीं लगेगा क्योंकि वो स्टैटिक एंगल को टच करता है जैसे मान लो बी ओ टी सेल्स के बारे में आपसे पूछ लिया अभी बी टी टी सेल्स को आप करंट इशूज से लिंक नहीं कर पाओगे प्रोवाइडेड आप किस तरीके से आपने पढ़ा है उस पर डिपेंड करता है अब जैसे ये टॉपिक है इस पर रिसर्च हुई है रिसर्च होने के बाद बी ओ टी सेल्स के बारे में मैंशनड है अब वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वट बेसिकली इज़ बी एन टी सेल्स बी ओ टी सेल्स के बारे में मेमोरी में क्या रोल होता है अडाप्टिव मेमोरी क्या होती है ये कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रिलिम्स में आपके लिए ऐसा बन सकते हैं क्वेश्चन तो इसके लिए आ, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है तो प्रिलिम्स वाले रजिस्टर में आप इसको लिख सकते हैं अब देखो ये क्या है अभी ये स्टडी की गई थी सेवनटी वन इंडिविजअल के इंडिविजुअल के ऊपर जिन्होंने कोवैक्सीन जो डोज है उसको लिया और उसमें जब डोज लिया तो उसमें ये कहा गया कि ठीक है बी और टी सेल्स Uh, ये जो मेमोरी बी और टी सेल्स है वो आपके क्रिएट uh, हुए और इस वजह से क्या है कि अगर फ्यूचर के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन से बच सकते हैं सिंपल सा जो मैकेनिज्म होता है किसी भी वैक्सीन का वो यही होता है कि जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है उस कॉजल ऑर्गेनिज्म को वीक फॉर्म में या फिर किल्ड फॉर्म में आपके शरीर के अंदर इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड और जब आपके शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस होगा तो आपका जो बॉडी है दैट बॉडी मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है दैट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन अब ये ध्यान में रखना है कि जो भी एंटीबॉडीज बनेगी दैट इज स्पेसिफिक टू एन एंटीजन ये ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है यहां पे ऐसा नहीं कि एक एंटीबॉडी बन रही है तो वो जितने भी एंटीजन होंगे मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आएगा उसके लिए वो हेल्पफुल uh, होंगे ऐसा नहीं है तो यहां क्या है कि जब भी शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनेगी इट इज स्पेसिफिक टू टू दैट एंटीजन जैसे अगर कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी हुई हैं सार्स यूवी के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनी हुई ऐसा नहीं कि वो एंटीबॉडीज मलेरिया के खिलाफ वर्क करेंगी या डेंगू के खिलाफ वर्क करेंगी या किसी दूसरे बीमारी के खिलाफ करेंगे एंटीजन शब्द का मतलब होता है कि जो फॉरन पार्टिकल आपके शरीर में एंटर होता है टेक्निकल टर्म कॉल्ड एज एंटी एंटीजन अब देखो हमारे कई प्रकार के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं जैसे जब आपका कोई भी एंटर करेगा तो जो इवन आपके नोज में जो हेयर्स हैं वो आपके शरीर को प्रोटेक्ट करेंगे फिर एक बार कोई भी वायरस बैक्टीरिया शरीर में एंटर करता है तो वहाँ पे भी जो ये एंटीबॉडीज़ हैं वो लड़ेंगी फिर आपका एक सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स भी होता है जो सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स होता है इसमें क्या है मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स है मतलब मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स का मतलब है कि जैसे ये ऐसे सेल्स होंगे जिनमें ऑलरेडी ये चीज़ है कि उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है कि ये बैक्टीरिया वायरस आया हुआ है पहले भी आया हुआ था और अब ये आ रहा है तो वो क्या है कि वो एक्टिवेट होकर उस सेल को जो इन्फेक्टेड उसको किल कर देंगे तो यहाँ पे क्या है कि जो मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स हैं ये मोस्ट जो कि ज्यादातर वैक्सीनेटेड लोगों में आपका प्रेजेंट रहता है और ज़्यादातर जो इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन से आपको बचाते हैं अब यहाँ पे ये बी सेल्स और टी सेल्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अ सेलुलर इम्यूनिटी सेलुलर इम्यूनिटी के लिए इम्यूनिटीबल कैसे आगे देखते हैं तो यहाँ पर टी सेल्स हैं इस सेलुलर इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स प्रेजेंट हैं या सेल्स जो रेस्पॉन्सिबल हैं वो टी आ, टी सेल्स हैं और टी शब्द जो है ये क्यों क्योंकि जिस ऑर्गन से ये प्रोड्यूस होते हैं थाइमस जिसे हम कहते हैं जैसे अगर आप देखोगे ये जो पार्ट है इसको हम थाइमस बोलते हैं ठीक है तो यहां से ये जो आ, दिस टी सेल्स टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड या आपके प्रोड्यूस होते हैं इसलिए हम इन्हें टी सेल्स भी कहते हैं और ये जो इम्यूनिटी है ये इम्यूनिटी क्या करती है जो टी सेल्स है जो भी इन्फेक्टेड सेल्स है उनको खत्म करना और जो भी सोर्स हो सकता है इन्फेक्शन का उसको ख़त्म करना तो टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेलुलर इम्यूनिटी के लिए जो हमारा सेल है उस सेल के अंदर इन्फेक्शन ना हो दू, दूसरा सेल इन्फेक्टेड है तो उसको किल कर देना जिससे इंफेक्शन फर्दर प्रोड्यूस ना हो या फर्दर स्प्रेड ना हो तो इसके लिए दीज दि, दि, टी सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल वेन इन्फेक्टेड बाय वायरस किसी भी वायरस से अगर शरीर इन्फेक्ट होता है तो नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलता है देखो नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है एक होता है स्पेसिफिक स्पेसिफिक का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर एंटीबॉडीज आपके शरीर के अंदर बनी हुई है दे विल बी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एंटीजन मतलब अगर एक एंटीजन कोई भी वायरस बैक्टीरिया एंटर करता है बॉडी के अंदर तो एंटीबॉडीज उसके स्पेसिफिक होंगी और वो सिर्फ उसी एंटीबॉडीज के खिलाफ ही काम करेंगी एंटीजन uh, के खिलाफ काम करेंगी तो वी कॉल देम एज स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स कि किसी एक फिक्स चीज के लिए ही ये जो अस्त्र है वो बाहर निकलेगा ठीक है और दूसरा होता है नॉन नॉन स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि कोई भी एंटर करेगा तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे जैसे मैक्रोफेजेस हैं मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स ये क्या करते हैं जैसे ये एक टर्म होता है फाइगोसाइड

खत्म करेंगे ये स्पेसिफिक नहीं कि यही वायरस आएगा यही बैक्टीरिया आएगा तभी जो है मुझे बाहर निकलना है वो काम एंटीबॉडीज़ का होगा कि मतलब एंटीबॉडीज मतलब एंटीबॉडीज जो है वो तभी एक्टिवेट uh, होंगी जब उनको या फिर वी कैन से जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं वो स्पेसिफिक एंटीजन के लिए ही आपकी रहेंगी बॉडी मेक्स एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू द वायरस कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन्स जो एंटीबॉडी जैसे ये अलग अलग आई जी जी आई जी एम ये क्या है ये डिफरेंट एंटीबॉडीज और ये पार्ट जो एंटीबॉडीज बनती ये किस किस इम्यून रेस्पॉन्स के लिए है? इसे हम कहते हैं है, प्रश्न में में, में तो है, होते हैं वही पूछे जाते हैं प्रश्न आएगा तो किसी को भी आइडिया नहीं होगा कि करंट इशू से या उससे पिक किया जाएगा क्योंकि इस तरीके से डेप्थ में चीजों को देखना भी एक आप कह सकते हो जरूरी पड़ जाता है जब अगर आप इन चीजों को अगर आपको जानना है दूसरा पॉइंट ये देखो एडाप्टिव रेस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया एडाप्टि रिस्पॉन्स का मतलब यह हो गया कि जब भी कोई फॉरन पार्टिकल आपके शरीर के अंदर एंटर कर गया मान लो बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में एंटर कर गया और वो वायरस या फिर वो बैक्टीरिया जब भी आपके शरीर के अंदर एंटर कर जाएगा आपका शरीर क्या है आ, योर बॉडी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज जो है वो आपका प्रोड्यूस कर लेगा आपका शरीर एक तरीके से एक मेमोरी डेवलप कर लेगा कि ठीक है ये एंटीबॉडीज जो है क, ये एंटीजन कभी भी आएगा यह फॉरेन पार्टिकल कभी भी आएगा तो मेरे पास अस्त्र है यह एंटीबॉडीज है जो मैंने जब यह पहली बार आया था तब मैंने यह अस्त्र अपना तैयार किया था जिनका नाम एंटीबॉडीज है और जैसे ही ये आएगा दोबारा से इसी अस्त्र को यूज कर लेना है लेकिन वो अस्त्र सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होगा फॉर दैट स्पेसिफिक एंटीजन ओनली और ये ये जो एक इम्यून रिस्पॉन्स हमारा डेवलप होता है जब हम एंटीबॉडीज स्पेसिफिक एंटीबॉडीजी प्रोड्यूस वी वी कॉल इट एज एडॉप्टिव रिस्पॉन्स का एडाप्टिव रिस्पॉन्स में ही यह सेलर इम्यूनिटी भी है और ये एडाप्टिव रेस्पॉन्स मतलब पहले आपका जैसे एंटीबॉडीज हो गया अब इसके अलावा इसके अलावा भी जो सेलुलर रेस्पॉन्स या जिसे हम कहते हैं सेलुलर इम्यूनिटी तो यहां पे हमारी जो बॉडी टी सेल्स बनाती है वो भी वायरस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है तो एक तरफ एडाप्टिव रेस्पॉन्स हो गया और दूस एडाप्टिव रिस्पॉन्स में कौन आ गया एंटीबॉडीज रिलीज हो गई और एक दूसरी तरफ जो है वो क्या है सेलुलर इम्यूनिटी सेलुलर इम्यूनिटी में जो थाइमस ये टी सेल्स जनरेट होते हैं ये टी सेल्स वायरस को मारते हैं तो आप ये मानो कि जो हमारा शरीर है उसमें जो इम्यूनिटी होती है वो डिफरेंट लेयर्स में होती है डिफरेंट जैसे आपके नोज में हेयर्स होते हैं एक चिपचिपा सा प्रदा, प्रदा, वो होता है वी कॉलिटाइज म्यूकस वो आपके वो आपको बचाता है है ना और उसके अलावा फिर और फिर जब जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल शरीर के और अंदर जाता है तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ इम्यूनिटी है तो एक एडाप्टिव रेस्पॉन्स हो गया जिसमें एंटीबॉडीज़ आ गई और एक आपका सेलुलर इम्यूनिटी है जहाँ पर क्या है टी सेल्स रिलीज होंगे और जो भी सेल्स ऐसे सेल्स जो कि वायरस बैक्टीरिया से इंफेक्टेड होंगे दो सेल्स विल बी डिस्ट्रॉयड बाय दिस टी सेल्स तो यहां पे क्या है कि दोनों मिलकर ये हमें बचाते हैं एडाप्टिव रेस्पॉन्स और सेलुलर इम्यूनिटी दोनों ही हमें किसी भी इन्फेक्शन या वी कैन से कोई भी जो इन्फेक्शन और इन सब से है वो हमें बचाते हैं तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया जो है होना चाहिए उसके बाद टी सेल्स और इस तरीके से आपके बी सेल्स होते हैं ये दोनों सेल्स प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में टी सेल्स माइग्रेट कर जाते हैं थाइमस में मेच्योर होने के लिए तो ये दोनों सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है अब देखो यहां पर दोनों में मेन डिफरेंस क्या है टी सेल्स और बी सेल्स में मेन डिफरेंस क्या है कि टी सेल्स कैन ओनली रिकोग्नाइज वायरल एंटीजन आउटसाइड द इन्फेक्टेड सेल्स वेर

दोनों सेल्स की बात करें तो जो मेन डिफरेंस है बिटवीन टी सेल्स और बी सेल्स की टी सेल्स दे कैन ओनली रिकॉग्नाइज वायरल एंटीजेंस आउटसाइड द इनफेक्टेड सेल्स मान लो ये इंफेक्टेड सेल है तो जो बाहरी कोई भी आ, एंटीजन होगा या वायरस होगा उसको वो सेल के बाहर रिकॉग्नाइज करेंगे बी सेल्स क्या है बी सेल्स दे कैन रिकॉग्नाइज द सर्फेस एंटीजन ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरसेस इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी सेल्स होंगे ये जो वायरस uh, बैक्टीरिया है इसके ऊपर जो रिसेप्टर होंगे उसको ये रिकॉग्नाइज uh, कर सकता है मे बी विद इन द सेल्स तो दोनों के फंक्शंस तो सेम है इट मीन वी कैन से कि दोनों मीन दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन आर सेलुलर इम्यूनिटी बट थोड़ा सा इनके फंक्शनिंग पर डिफरेंस है देखो जिस लेवल के प्रश्न अभी प्रिलिम्स में बन रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एनवायरमेंट से अगेन आई एम स्टेटिंग ये जो पेपर में चीजें आती हैं रिसर्च आती है research आती, इन पर आपको अच्छा कमांड होना चाहिए और इन्हीं से प्रश्न आप हल कर सकते हो कॉम्पिटिशन रिलेटिव है जो स्टेटिक पढ़ते हो तो पढ़ना ही है लेकिन इन चीज़ों को देखना है क्योंकि पिछली बार भी जितने प्रश्न आप देखोगे ना अब जिन्होंने इस तरीके से करंट इश्यूज को नहीं कवर किया उनको ये लगेगा कि करंट इश्यूज से कुछ आया ही नहीं बट करंट इश्यूज की अगेन आई एम स्टेटिंग डेफिनेशन इज टोटली फ्रेंड फॉर यूपीएससी अगर अगर आप दूसरे एग्जाम से आप कंपेयर करेंगे ठीक है तो जैसे पिछली बार चार क्वेश्चन आपके वायरस वायरस से रिलेटेड थे या फिर आपका सैनिटाइजर के ऊपर वो चीज़ें आई थी वो सब कहीं ना कहीं एक एक कहीं ना कहीं आपके प्रश्न आपको मिले थे अगर आप उनको कैलकुलेट करोगे वो तीस के ऊपर चले जाएंगे तो इसलिए इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा देखना चाहिए क्योंकि सोर्स यह आपकी यही जो रिसर्च पब्लिश हो रही है पेपर में चीज़ें आ रही हैं उनको थोड़ा सा डेप्थ में देखना जरूरी पड़ जाता है और यही बेसिक रीज़न है रैंडमनेस इंक्रीज होने का तो आप कोई ऐसा सिक्सटी फाइव और ये सब पढ़ोगे तो वो बाद में साल के एंड में एक बार पलट के देख सकते हो न्यूज़पेपर का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं उसको आपको प्रिपरेशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा के के तो, अभी वो कोई भी अगर आप तो वो क्या करेंगे करें? कर कवर कर सकता है एडिटोरियल्स में क्या होता है एक इशू के पचास डायमेंशन आ जाते हैं मतलब बहुत सारे डायमेंशन आते हैं तो जो वो डायमेंशन है वो डायमेंशन आपको आइडिया होना चाहिए अब किस डायमेंशन पर प्रश्न पूछ लेता है वो सोचने वाली बात होता है तो ये सब इसलिए पेपर का कोई एक पेपर फॉलो करो जहां ट्रस्ट हो जहां भी आपको अच्छा लगे लेकिन एक पेपर फॉलो करो UPSC के कंटेक्स्ट में चीज़ें कवर होना चाहिए अभी अभी ऐसा ऐसा नहीं जैसे अभी एक तरीका ये भी है कि ऐसा पढ़ दिया पूरा लाइन यहां से यहां तक तो पूरा पढ़ डाला नहीं अभी यहां पे देखा कि ठीक है काम का इतना सा है अब इसमें कंसेप्ट आ रहा है जैसे ये मैं आपको बता देता हूं आप पूरे यूट्यूब में जाके जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कहीं भी जाके आप एक बार चेक करो जाके आप आइडिया लग जाएगा तो कैसे पहली चीज़ तो ये टॉपिक कवर नहीं होते दूसरी चीज़ आप ये देखोगे कि चीज़ों को कवर कैसे करना चाहिए जैसे अभी इसमें रिसर्च के बारे में हमने कैसे किया और किस तरीके से किया ये चीज़ें कवर आपके तो ये ऐसा काम का नहीं है अभी यहाँ पर नया चीज़ क्या आ रहा है यहाँ पर एक नया चीज़ आ रहा है कंसेप्ट ऑफ एग्जोम एग्जोम क्या होता है एग्जोम क्या होता है अभी जीन सिक्वेंसिंग में एग्जोम क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कंक्लूजन है, तो है, है और इस, इस तरीके से आपको पढ़ना जरूरी आपको रहता है मतलब अगर इवन इफ यू आर रीडिंग लाइन टू लाइन दैट विल नॉट वर्क वो आप अपना कॉम्प्रहेंशन इंक्रीज करने के लिए कर सकता है अभी पूरा उस पर आर्टिकल में क्या चीजें काम की काम करनी का है वो देखना जरूरी है और क्या कुछ नया कंसेप्ट आ रहा है वो देखना जरूरी है तो इस तरीके से आप पढ़ते रहे ना डार्विन की थ्योरी और इस तरीके से लैमार्क और डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसे इवॉल्व होते गए तो यहां पे क्या है इट्स प्रोसेस ऑफ नेचुरल सेलेक्शन वो ट्रेड्स आगे बढ़ती हैं जो ट्रेड्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को के सर्वाइवल के लिए उसको जो आउटर एनवायरनमेंट है सराउंडिंग है उस चाहे वो डिफिकल्ट हो जैसा भी सिचुएशन हो उसको सर्वाइवल के लिए हेल्प आपकी करती रहती तो वो धीरे धीरे क्या है वही ऑर्गेनिज्म जिसके पास वो सूटेबल सुटेबल ट्रेट्स प्रेजेंट होंगे जो कि उसे आउटर एनवायरनमेंट से आउटर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए फैसिलिटेट करेगा इट इज़ कंसिडर्ड एज अ नेचुरल सेलेक्शन अब देखो जींस की बात किया जाए देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उस ऑर्गेनिज्म का जो ट्रेट है या बिहेवियर है किसी की जैसे कोई जिराफ है जिराफ की गर्दन क्यों लंबी है एलिफेंट की सूंड इतनी क्यों है कान ऐसे क्यों हैं पोलर रीजन में कान छोटे क्यों होते हैं बहुत सारे ये सब जो फैक्ट्स हैं ये क्यों होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जीन्स जो कि सालों सा, सालों उसमें इवॉल्व हुई हैं जैसे आउटर इन्वायरमेंट में आ, जो बाहरी बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें धीरे धीरे जो जीन्स इवॉल्व हुई हैं वो जीन्स के इवोल्यूशन से आपके नए नए जो ट्रेड्स हैं और फाइनली उस ट्रेड पर स्टेबलाइज हुआ है हुआ है शरीर जहाँ जो कि जो कि हेल्प करेगा बाहरी एन्वायरमेंट से बचने में तो यहाँ पे जो जीन्स हैं उनके बहुत मल्टीपल अफेक्ट आपको देखने को मिल मिलते हैं और कई तरीके से कैन से वी कैन से इवोल्व करने में हेल्प मिलते हैं बट uh, जो रिसर्च है उसका ये कहना है कि जो ये जीन्स हैं इनका जो इवोल्यूशन होता है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि दे ऑलवेज़ फैसिलिटेट इन नेचुरल सेलेक्शन या फिर जो फिटनेस है या जो पॉजिटिव चीज़ है उसी के लिए आप हमेशा हेल्पफुल दे कैन ऑल्सो भी रेस्पॉसिबल फॉर द रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अब ये आप देख सकते हो कि जो जीन है जीन कैन ऑल्सो भी रिस्पांसिबल फॉर नॉन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है जैसे इसके लिए वो कम्युनिकेबल जाना कम्युनिकेबल जैसे कोई भी बीमारी वायरस बैक्टीरिया कम्युनिकेबल अभी किसी को अगर एक बीमारी है किसी वायरस बैक्टीरिया जैसे कोरोना है कम्युनिकेबल एक से दूसरे को हो सकती है नॉन कम्युनिकेबल हार्ट की बीमारी वो वो क्या है वो अभी किसी को हार्ट की बीमारी अभी उसके बगल में खड़े हो जाओ तो ऐसा नहीं कि आपका हार्ट जो है वो धड़कने लग जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा हाँ वो कुछ और केस है तो अलग बात है ठीक है तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे चाहे वो मेंटल इलनेस हो सीजोफेनिया हो या बाइपोलर डिसऑर्डर हो तो ये जो अभी रिसर्च हाईलाइट कर रही है कि सर्टेन जीन्स वो एक टाइम से इवॉल्व हो सकती हैं जैसे पास्ट में किसी एक एज में मेंटल इलनेस सीजोफेन या ऐसा प्रॉब्लम रहा हो फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ये मतलब नेक्स्ट जनरेशन में भी जो जीन्स हैं ऐसा ट्रांसमिट हो सकती हैं जो कि इन बीमारियों को फ्यूचर में कैरी कर सकती है तो यहां पे देखो सिक्वेंसिंग ऑफ द एग्जोम अब इसके लिए क्या किया गया एग्जोम एग्जोम का मतलब क्या होता है एक तो होता है जैसे पूरा जो जीन्स है अब जीन्स को अगर आप ऐसा पूरा जितने भी जीन्स आपके शरीर में प्रेजेंट है उनको मिला के जो एक टर्म यूज होता है उसको हम कहते हैं जीनोम अब एक स्पेसिफिक पार्ट जो होता है इसका उसको कहते हैं एग्जोम ठीक है तो जीनोम क्या है सबको मिला दो तो जीनोम हो गया अभी थोड़ा पार्ट ले लो जिसको आप सीक्वेंस कर रहे हो जो कि एक सर्टेन प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा तो उसको हम कहेंगे एग्जोम वी विल कॉल इट एज कॉलिटाइज इसके लिए टर्म याद रखना वी कॉल इट एज एक्जोम ये ध्यान में रखना नेक्स्ट देखते हैं इवोल्यूशन थ्रू लेयर्स ऑफ फूड चेन ठीक है एवोल्यूशन थ्रू एवोल्यूशन थ्रू लेयर्स ऑफ फूड चेन ये भी एक कंसेप्ट है और यहां पे देखो प्रीलिम्स का ही मतलब अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप का इन्हेंस होगा फूड चेन जैसे आप पढ़ते हो नॉर्मली अब इसमें यह भी पॉसिबल है कि आ, कैसे फूड ऑरेंज मोनार्च बटरफ्लाई ठीक है ऑरेंज मोना, मोनार्च बटरफ्लाई अब ये क्या है ये अपने एक मिल्क वीड है मिल्क वीड करके मतलब आप मान लो कि प्लांट्स है जिसमें कई सारे टॉक्सिन सब्सटेंस जहरीले तत्व इसमें प्रेजेंट है तो अब ये बटरफ्लाइज को खाती भी है और उसके शरीर के अंदर वो टॉक्सिन चला भी जाता है स्टिल इट इज एबल टू सरवाइव तो अब क्या होता है कि ये जो मिल्क वीड है इसको कौन खा रहा बटरफ्लाई और इस बटरफ्लाई को, को कोई सर्टेन uh, दूसरा ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसको कंज्यूम कर रहे है तो यहाँ पे क्या है वो जो टॉक्सिन जहर है वो क्या हो रहा है कि बटरफ्लाई में ट्रांसफर हो रहा है फिर उससे दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रहा है तो ये जो ट्रांसमिशन है ये जो ट्रांसमिशन है अब बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन इट विल बी रियली वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव लेकिन फिर भी ये जो जो फूड चेन क्रिएट हुई है इस फूड चेन की वजह से धीरे धीरे बटरफ्लाई और इस बटरफ्लाई को खाने वाले जो इंसेक्ट और दूसरा ऑर्गेनिजम्स है उन्होंने अपने आप को बदला मतलब म्यूटेट किया देर वॉज अ म्यूटेशन मतलब सडन जेनेटिक लेवल पर चेंजेस हुए और वो अपने आप को इवॉल्व कर गए कि उन्हें उस टॉक्सिन का कोई असर नहीं पड़ेगा तो यहां पर इवन ये जो जहर होता है अगर आप देखोगे वो इतना ज्यादा होता है कि अगर कोई थोड़ा अमाउंट में कंज्यूम कर ले तो इट कैन किल अ हॉर्स और अ ह्यूमन बट इट इज नॉट एबल टू तो किल अ स्मॉल बटरफ्लाई तो ये क्या है कि दैट बटरफ्लाई हैज़ इवॉल्व्ड आफ्टर सर्टन टाइम ठीक है और जो बटरफ्लाई को खाते हैं उसमें भी बटरफ्लाई में भी और टॉक्सिन प्रेजेंट है तो जो इंसेक्ट और ये सब जो भी खाते हैं बटरफ्लाई uh, कोई भी दूसरा जो उसका प्रिडेटर है तो वहां पर वो उसका जो प्रिडेटर है वह भी अपने आपको इवॉल्व कर लिया तो यहां पर इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जो इवोल्यूशन हो रहा है दैट इज मे बी ड्यू टू द फूड चेन जो फूड चेन है उसके लिए तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट देखते हैं वेयर दे आर डोमेस्टिक हॉर्सेस इन एंशियंट इंडिया अब ये जो आप हॉर्स देख रहे हो क्या ये एंशियंट इंडिया मतलब हर अपन सिविलाइजेशन में हॉर्स हुआ करता था क्या तो इन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स व्यू पॉइंट्स रखे हैं और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये भी टॉपिक प्रलिम्स के लिए अभी हॉर्स से रिलेटेड बहुत डिबेट चलता रहता है एनसीआर टी एन में डिफरेंट दिया होगा रिसर्च जो आई है वो डिफरेंट दिया होगा अब इन्होंने सोर्स विकीपीडिया को किया है फॉलो कहा कि विकीपीडिया में ऐसे लिखा हुआ है तो अब विकीपीडिया तो हम भी देखते हैं उसका देखो रिसेंट जो रिपोर्ट अभी अभी पब्लिश हुई है और इस सैंपल्स भी कई सारे जो है वो कलेक्ट किए गए हैं आ, खास तौर से जैसे हॉर्सेस से रिलेटेड तो यहाँ पे कहा गया कि जो डोमेस्टिक हॉर्सेस दे कुड हैव ओरिजिनेटेड इबेरियन पेनन्सोला ठीक है तो इबेरियन पेनन्सोला आई थिंक स्पेन का जो रीजन है वहाँ पे आपका ये पेनसोला है तो यहाँ पे आ, ये ओरिजिनेट किया या फिर आ, एंटोलिया या वेस्टर्न यूरे, यूरेशिया सेंट्रल एशिया इन जगहों पे वी कैन से जो हॉर्स है वो आपके ओरिजिनेट हुए होंगे नेटिव इन जगहों के आपके थे उसके बाद कई सारी जो स्टडीज़ हुई कई रीजन्स में जैसे वोल्गा डॉन रिवर रीजन में कई स्टडीज़ भी आपकी की गई डीएनए प्रोफाइलिंग की गई मतलब जो भी एंशंट डीएनए मिला मतलब पुराने जो फॉसिल्स हैं है ना रिमेनिंग चीज़ें हैं तो वहाँ पे जो मिला फिर उससे डीएनए निकाले डीएनए की स्टडी की उसके बाद फिर कुछ कंक्लूड किया और उसमें कुछ पॉइंट्स आपके जो रखे गए सो बाय अराउंड ट्वेंटी से टू थाउजेंड बी सी ही दीज हॉर्सेज स्प्रेड आउट टू बोहिमिया बोहिम मतलब धीरे धीरे फिर क्या है कि नेटिव तो कहीं और के थे लेकिन धीरे धीरे फिर अलग अलग जगहें आप देख सकते हो यहाँ पर वो के जो है स्प्रेड हुए और यह भी कहा गया कि जो दूसरी जगह ये पहुंचे क्योंकि जहाँ ये ओरिजिनेट हुए वहाँ से इनको बेचा जाता था कुछ चीज़ों के लिए और फिर धीरे धीरे कई जो वहाँ की आर्मीज़ हैं चाहे है मेसोपोटामिया मेसो ईरान कुवैत वहाँ की आर्मीज़ और क्योंकि वहाँ बहुत पॉपुलर भी हो गया और आर्मीज़ में भी इसका इस्तेमाल आपका हो, होने लग गया वर्ल्ड एटल्स की बात करें तो जो ओनली एनिमल आ, नेटिव है इंडिया के वो कौन से हैं एशियन एलिफेंट है आ, स्नो लीपर्ड है राइनासोरस है बंगाल टाइगर है स्लॉथ बियर है हिमालयन वुल्फ है गौर बाइसन है रेड पांडा है क्रोकोडाइल है बर्ड पिकॉक फ्लमिंग ये सब क्या है दीज आर वी कैन से ये आपके नेटिव आ, ये आपके नेटिव एनिमल्स हैं और कई सारे दूसरे भी हैं जैसे नीलगिरी तहर एलिफेंट लंगूर मकाऊ, राइनासोरस डॉल्फिन घड़ियाल कोकोडाइल। तो यहाँ पे आ, जो एशिया में ओरिजिनेट हुए तो वो ये सब है स्क्वरल कोबरा पिकॉक ये आपके ओरिजिनेट हुए हैं अब यहाँ पर यह जरूर से कहा गया कि हॉर्स इज नॉट ए नेटिव टू इंडिया हॉर्स जो है इंडिया का नेटिव नहीं है और खास तौर से इंडिया के पास इतने सारे जो जानवर थे तो उसका ऐसा ट्रेडिंग किया होगा कुछ आपने उधर बेच दिया कुछ इधर आ गए तो हॉर्स भी हमने लिया होगा इंडिया माइट हैव ट्रेडेड देयर एलिफेंट टाइगर मंकी और बर्ड्स जो दिए होंगे और उसमें फिर उन्होंने हॉर्स जो है लिया होगा और इसमें फिर विकीपीडिया को इन्होंने बोला है कि ये कहा गया कि इसमें हरप्पन सिविलाइजेशन में हॉर्स नहीं था लेकिन जो वैदिक पीरियड की जो किताबें जो वेदाज हैं उनमें मिंच, अश्व शब्द मंशन है जो अश्व शब्द का मतलब होता है वो हॉर्स तो अगर वैदिक पीरियड जो कि हरप्पन सिविलाइजेशन से पहले उसी समय आपका हॉर्स का ये मिंशन किया गया है अश्व तो इट मीन्स उस समय आ, भी प्रेजेंट था वो क्यों प्रेजेंट था वो अलग डिबेट की बात है ठीक है अगर आप जैसे आ, जैसे कई सारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं रामायण की बात करें तो जैसे आप टीवी में भी देखते होंगे तो उसमें अश्वमेघ यज्ञ होता है है ना लवकुश वाला जो एक एपिसोड होता है तो अश्वमेघ यज्ञ होता है हॉर्स को छोड़ा जाता है और इस टाइप का चीज़ें आपकी जो रिलीजियस जो टेक्स्ट आप कह सकते हैं वहाँ पर भी मैंशनड है तो ये सब चीज़ें ये हाईलाइट करता है कि बहुत समय पहले इसके बारे में आपका अवेयरनेस जरूर से थी अब ये मतलब रिसर्च का पार्ट बन जाता है कि क्या वो जो हॉर्स है वो वहीं थे या आ, 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 बाहर से आए थे ये थोड़ा डिस्कशन का पॉइंट बन जाता है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट ये आपका आया है दिस इज रिलेटेड विद बायो सिक्योरिटी अब देखो स्पेस जो इंडस्ट्री है कंटिन्यूअस जो स्पेस इंडस्ट्री है अभी स्पेस इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से एक्सपैंड करेगी स्पेस टूरिज्म बहुत एक्सपेंड करेगा स्पेस आर्मी बनेगी बहुत चीज़ें होंगी अब इसमें कहा गया कि एक बायो सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ से वो आपके स्पेस में ट्रांसफर हो सकते हैं अब जरूरी नहीं कि सब वहाँ सर्वाइव कर पाए बट कुछ सर्वाइव अगर कर जाएंगे तो वहाँ का जो बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन है वो आपका चेंज हो सकता है दैट मे बी अ थ्रेड टू द बायो सिक्योरिटी या फिर उल, मतलब और भी हो सकता है कि कहीं वैसे अभी और कहीं लाइफ का पता नहीं है एक्सेप्ट अर्थ तो ये एक पॉसिबिलिटी आपकी है लेकिन फिर भी बहुत सारे जो हमारे द्वारा जो स्पेस इंडस्ट्री इतनी एक्सपैंड हो रही है स्पेस टूरिज्म और दूसरा वहाँ से देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो स्पेस में ट्रांसफर हो सकते हैं कई सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ सर्वाइव कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे ज़्यादातर नहीं कर पाएंगे वॉट द ओमिक्रोन वेरियंट मीन्स फॉर इंडिया ये आज के पेपर का है ओमिक्रोन जो वेरियंट है अब यहाँ पर देखो अब फिर से ये काफ़ी एक सीरियस बात हो जाएगी सभी जितने भी सभी आप लोग एक तो प्रिकॉशन जरूर से लख मास्क पहनो आ, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है मतलब थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लो पब्लिक स्पेस में जाओ तो मास्क पहन लो क्या दिक्कत है उसमें आपके घर पे भी हैं बड़े बुजुर्ग तो उनको भी बोलो कि मास्क पहनना चाहिए और बोलो मतलब ऐसा नहीं क्योंकि देखो आसपास में जो लोग हैं वो इतना प्रिकॉशन नहीं लेते हैं वो भी किसी को देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा अपने बिहेवियर चेंज करेंगे क्योंकि देखो अगर थर्ड वेव आ जाएगी तो बहुत बहुत इशू फिर क्रिएट होगा ऑल दो जो इम्यूनाइजेशन है वैक्सीनेशन है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो चुका है काफ़ी लोगों ने कर लिया है लेकिन फिर भी एक मैटर ऑफ कंसर्न बन सकता है नया वेरिएंट है अगर नया वेरिएंट है स्प्रेड करता है अब देखो इसमें इम्पैक्ट शरीर पर कितना पड़ता है वो है इन्फेक्शन तो ये काफ़ी तेज़ी से कॉज करता है लेकिन इसका इम्पैक्ट है वो देखने वाली बात है अब देखो फर्स्ट सीरो प्रिवलेंस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग बहुत सारी जो लार्ज पॉपुलेशन ऑलरेडी वायरस Uh, से एक्सपोज हो चुकी है तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी हैं फिर इम्यूनाइजेशन भी हुआ है वैक्सीनेशन भी हुआ है एट्टी टू परसेंट लगभग एटलीस्ट फर्स्ट डोज उनको uh, मिल गया है अभी ये जो नया वेरियंट है वो बोट्सवाना में आइडेंटिफाई भी किया आपका uh, किया uh, गया है और uh, ये देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि काफ़ी तेज़ी से ट्रांसमिट भी कर सकता है और क्योंकि इसमें बहुत सारे जो म्यूटेशन है वो ये कैरी कर रहा है तो जैसे अगर कोई भी ये जो वायरस है इसके अगर चारों तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है स्पाइक प्रोटीन है अभी इस बार जैसे प्रश्न आया था ए सी ई टू अभी इसको तो पता नहीं कितनी बार वी हैव डिस्कस्ड पेपर में आया था ए सी ई टू के बारे में है ना तो ए सी ई टू के बारे में तो ये प्रश्न भी आपका इस बार पूछा गया था तो यहाँ पे क्या है कि जो स्पाइक प्रोटीन है एंड स्ट्रक्चरल जो इसकी प्रोटीन है उस पर जो आपके बदलाव हो सकते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन इस पे जो आपके बदलाव हो सकते हैं मतलब जो जेनेटिक लेवल पे बदलाव हो जाएंगे अब हमने जो वैक्सीन बनाई हैं वो भी कैसे बनाई हैं आपने एक सर्टेन जो इसका जैसे मान लो एम बेस्ड आपने वैक्सीन बना ली एम बेस्ड वैक्सीन है अब जो वैक्सीन एम बेस्ड वैक्सीन उसने क्या किया है? कि जो इसका स्ट्रक्चर है प्रोटीन स्ट्रक्चर है जैसे स्पाइक प्रोटीन है इसका जो स्ट्रक्चर है इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस एम में प्रेजेंट होती है इसको आपने लिया और फिर इसको शरीर में जो है प्रोड्यूस किया और उसमें फिर वो प्रोटीन प्रोड्यूस होगी जैसे जो कि सिमिलर होगी स्पाइक प्रोटीन के और ये प्रोटीन आपके शरीर में क्या एंटीजन का काम करेगी फिर इसके खिलाफ आपका शरीर एंटीबॉडी बनाएगा अगर ये जेनेटिक बदलाव हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन कि जो प्रोटीन है जो कि रेस्पॉन्सिबल है इसके इन्फेक्शन कॉज करने के लिए स्पाइक प्रोटीन एस प्रोटीन भी जिसे हम कहते हैं तो ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन क्या है इसमें बदलाव हो जाएगा उसकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इसकी जो जीन पहले रिस्पॉन्सिबल है वो वो आप की बदल जाएगी आ, अगर म्यूटेशन बहुत अधिक हो चुका है तो फिर हमारी जो वैक्सीन वो इतना अफेक्टिव नहीं रहेंगी तो ये फिर क्या अभी दोबारा से आपको वैक्सीनेशन फिर फिर कब तक आपको वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन हम करते रहेंगे तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर एक तो सबसे बड़ा यह है कि देखो वायरस का एक नेचर होता है वो बहुत तेज़ी से म्यूटेट करता है अब ये ज़रूर से है कि इतना वायरस पहली बार नहीं है अब इतना म्यूटेट तो नहीं करता है मतलब कि दो हर थोड़े देर में ऐसा म्यूटेट करके और कहीं एक स्पेसिफिक रीजन से म्यूटेट करके आ जाता है ये मतलब एक रिसर्च की भी बात है वी नीड टू थिंक कि जो बड़ी पावर्स हैं ये बायो वॉर में इन्वॉल्व ना हो जाए अगर ये होगा तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि फिर सारे देश इतने केपेबल हैं कि वो बहुत हार्म कॉज कर सकते हैं और फिर ये टेंडेंसी अगर बन गई बायो वॉर की तो फिर ये फिर आप कह सकते हो कि दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा भी ये स्टेप लिया जाएगा तो देखने वाली बात है देखो वायरस आज से नहीं है मिलियंस ऑफ ईयर्स से आपके साथ है अब ये जो इतना स्पेसिफिकली म्यूटेट कर रहा है ना एकदम वो एक सोचने वाली बात बन जाती है आप अगर नॉर्मल सेंस में भी सोचोगे तो ये इतना मतलब अगर, अगर कोई भी नेचुरल चीज़ होती है तो वो एक समय तक आपकी रहेगी फिर अपने आप अप खत्म हो जाती पहले भी आप देखोगे तो पैंडमिक का सिचुएशन आया था लेकिन अब ये क्या है कि हर टाइम पे ये वायरस इतना बढ़िया तरीके से म्यूटेट कर रहा है ना जैसे कोई दवा बहुत सारे फैक्टर्स है ये चलो ये डिस्कशन हम लोग कभी बाद में करेंगे तो ये एक सोचने वाली बात है नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीट्यूड 7.5 पॉइंट फाइव को स्ट्राइक्स नदन पेरू ठीक है अब यहाँ तक ये जो बहुत ही छोटी सी न्यूज़ हिंदू में भी आई है और बाकी अगर आप न्यूज़ चैनल देखोगे तो वहाँ तो नहीं देखने को मिलेगा तो मैग्नीट्यूड 7.5 पॉइंट फाइव को एक स्ट्राइक्स नदन पेरू अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ पहली चीज़ तो आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी ही होगी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बता देता हूँ आपको इसका मतलब ये होता है कि जो पूरा अर्थ है वो अर्थ डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है ठीक है डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है अब स्मॉलर प्लेट है लार्जर प्लेट है जैसे पैसिफिक प्लेट हो गई साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई ये क्या लार्ज प्लेट है इसमें भी देखो जो प्लेट्स हैं इसमें इन प्लेट्स की अगर बात करो तो इसमें आपका जैसे क्रस्ट uh, है प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल है अपर पार्ट ऑफ मेंटल ये हिस्सा मिलके प्लेट बनाता है है ना ये किस तरीके से होता है जैसे मान लो पिज्ज़ा है पिज़्ज़ा की स्लाइस होती है ना तो ऐसे ही हमारी अर्थ जो है डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड होती हैं ये आपस में थोड़ा थोड़ा जैसे पिज़्ज़ा क्रीम से जुड़ा होता है एक स्लाइस से दूसरा स्लाइस इस तरीके से ये प्लेट्स आपस में थोड़ा थोड़ा आपका जुड़ी रहती हैं ठीक है और जहाँ पर ये मतलब गैप रहता है उसको बोलते हैं फॉल्ट उस शब्द को बोलते हैं फॉल्ट जैसे मान लो क्रैकजेक के बिस्किट है उसको ऐसा तोड़ोगे तो ऐसा टूट जाएगा ठीक है तो ये आप मानो कि इस तरीके से जो ये प्लेट बीच में टूटती है यहाँ पे जो उसको फॉल्ट बोलते हैं ठीक है वी कॉल इट एज फॉल्ट तो ये देखो जैसे ये नजका प्लेट है ठीक है ये नजका प्लेट है पैसिफिक प्लेट है और ये साउथ अमेरिकन प्लेट है ये माउंट एंडीज माउंटेन्स है ठीक है और यहीं कहीं आपका पेरू भी है ठीक है ये पेरू है तो ये जो सिचुएशन है जहाँ पे इधर पैसिफिक प्लेट है यह नजका प्लेट है साउथ अमेरिकन प्लेट है तो ये जो ये जो प्लेट मूवमेंट है ये एक थर थ्रस्ट फॉल्ट क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ साउथ अमेरिकन प्लेट नजका प्लेट और ये जो इंटरेक्शन पैसिफिक प्लेट का है और ये जो नस्का प्लेट आई थिंक ऐसा सबडक्ट भी कर रही है नीचे ऐसा जाके ये नजका प्लेट अगर आप देखोगे तो यह सबडक्शन भी इसका आपका जो है वो हो रहा है अब इनकी वजह से देखो एंडीज माउंटेन्स भी बने माउंटेन्स भी आपके बने और जो थ्रस्ट है अगर बात करें जो फॉल्ट बना है उस फॉल्ट में सर्टेन मोमेंट से भी जो अर्थक्वेक है वो आपका क्रिएट होता है ठीक है जो अर्थक्वेक है वो आपका क्रिएट होता है तो पेरू में जो अर्थक्वेक आया है वो भी इसी फैक्टर की वजह से आपका आया है तो अर्थक्वेक जो काफ़ी कॉमन है पेरू की अगर बात किया जाए आ, अगर इफ यू टॉक अबाउट पेरू और यहाँ पे नजका और साउथ अमेरिकन जो प्लेट है जो कि पेरुएन कोस्ट के पास लोकेटेड है साउथ अमेरिकन प्लेट जो है वो मूव कर रही हैं ओवर नजका प्लेट ऐसा मूव कर रही हैं ठीक है थीके? तो ये जो मूवमेंट है आपका जैसे ये आपका साउथ अमेरिकन प्लेट है ये मूव कर रही है नस्का प्लेट के मतलब नस्का प्लेट कहां जा रही है अंदर न, नीचे से जा रही है इसका मतलब सबडक्शन कहते हैं इसको सबडक्ट कर रही है तो ये जो नीचे जा रही है बिकॉज ऑफ दिस कई बार क्या होता है कि एक जगह ऐसा होल्ड कर जाते हैं ये ठीक है ये ऐसा होल्ड कर जाते है, स्टिक कर जाते है। जैसे आप एक इलास्टिक पकड़ो इलास्टिक हो तो उसको खींचो खींचोगे तो कैसे होगा तो ऐसा एक एक टाइम तक खींच सकते हो है ना इसी तरीके से एक बार फंस जाती है दो चीज़ें फंस गई ठीक है यहाँ से तो ये जब फंसेगी तो क्या है कि प्लेट तो नीचे मूव करेगा ही ऐसा नीचे मूव करती जाएगी अब यहाँ पर यह फंसी हुई है तो व्हाट विल हैपन कि जब ये रिलीज़ होगी तो बहुत तेज़ी से डिस्टर्बेंस जैसे कोई इलास्टिक को आप खींचते हो और छोड़ोगे तुरंत एक एक समय तक खींचते हो उसको छोड़ोगे तो एकदम ऐसा होता है ना तो वो डिस्टर्बेंस आपका कॉज होगा तो ये चीज़ अर्थ एक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जब दो प्लेट्स इंटरेक्ट जो है आ, करती हैं अब यहाँ पर जो अर्थ को एक थर्स्ट फॉल्टिंग भी होता है थर्स्ट फॉल्ट क्या है जहाँ पर दो ऐसा ब्रेक करता है ना प्लेट ऐसा ब्रेक किया हुआ है बीच में ऐसा स्पेस है तो वो क्या है फॉल्ट्स हम इनको कहते हैं तो यहाँ पे दो प्लेट साउथ अमेरिका और नस्का प्लेट के बीच में थ्रस्ट फॉल्टिंग है और ये आपके लिए रेस्पॉन्सिबल हो हो जाती है खास तौर से अगर प्लेट मोमेंट एंडीज माउंटेन के बनने में पेरू चाइल्ड चिले ट्रेंच बनने में वॉलनिज़म जो है वॉलकैनिक एक्टिविटी जो होती है वो उसके लिए भी आपका रिस्पॉन्सिबल है तो ये देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है जोग्रफ़ी का माना जाता है अब ये चीज़ है इस तरीके से टॉपिक्स आपको डिराइव करने होते हैं स्टैटिक के ठीक है जब आप पढ़ते हो दूसरा देखो राज्यसभा लीडर एक्सप्रेशन है सब देखो एक चीज ध्यान में रखना है दो मतलब इस चीज़ पर आप अपना ओपिनियन दे सकते हो एकदम नॉर्मल हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में जो चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है Uh, क्या होता है कि हम एक सेपरेशन ऑफ़ पावर प्रिंसिपल की बात करते हैं सेपरेशन ऑफ़ पावर प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जुडिक्शनल इशू है अब ये भी इंश्योर करना होता है जैसे मान लो अभी लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव के लोग जुडिशरी के बारे में बात करना शुरू कर देंगे कि जुडिशरी में ऐसा नहीं होता जुडिशरी में देखो ये ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पर ये, ये भी हमें ध्यान में रखना है ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है कि जब जुडिशरी लेजिस्लेटिव एक्शन पर फ्रिक्वेंट कमेंट करना शुरू कर दे तो फिर क... ये चीजें क्या है कि जो जैसे मान लो आप एक आप कहते हो आप ये कहते हो कि कोई भी बिल पास हो रहा है वो बिल में डिबेट नहीं होता है तो आ, आप क्या कर रहे हो यू आर क्वेश्चनिंग अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वो कौन सी अथॉरिटी है स्पीकर होगे या चेयरमैन होंगे आपके राज्यसभा के तो ये चीज़ क्या है कि अब अब अगर आप वो चेयरमैन या स्पीकर के लेवल पर सोचोगे तो उनको लगेगा कि यार ये तो जो है ये हमारे वर्क के बारे में इस टाइप से बोल रहे हैं तो यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ आपकी हैं वो एक दूसरे के कार्य के बारे में आ, बहुत ही फ्रिक्वेंट कमेंट जो है वो नहीं अवॉइड करते हैं जैसे अभी चेयरमैन या जो स्पीकर हैं वो बोलना शुरू कर दें कि जुडिशरी की मतलब बहुत हर इंस्टीट्यूशन में आपकी बहुत सी लैकुनास प्रेजेंट होते हैं तो ये देखना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम जब देखते हैं तो इट्स बेटर कि हम ये वर्क करें कि जुडिशरी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है क्योंकि जुडिशरी भी अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिलेटिव एक्शन में उसको बहुत इंटरेस्ट आने लग लेज जाए ना कई बार होता है ना एस्पिरेशंस बहुत हायर हैं कि ठीक है चलो नॉर्मल केसेस ना करके और ये जो बहुत से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन है उन्हीं पर अपने व्यू पॉइंट देते रहना पी पीआईएल के माध्यम से उन्हीं को वर्चुअल लॉ मेकिंग और जुडिशियल ओवर रीच करते जाना और वहां पर जो मेन काम है जुडिशरी का उसको ना करना तो यहां पर ये सोचने वाली बात है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जुडिशरी है स्टेट लेवल पर जुडिशियरी है पचास इश्यूज है उसको कैसे सॉल्व करें उसको कैसे इंप्रूव करें जब आपका कंसंट्रेशन उनमें होगा तब आ, कहीं जो जुडिशल सिस्टम आपका इंप्रूव हो जाएगा इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग कि हम हमारे सिस्टम ज, जैसे होता है ना कि किसी का आ, जो घर कांच के होते हैं, दूसरे के वहाँ पे वो पत्थर नहीं फेंकते वो ये कमेंट यहाँ इतना लागू नहीं होगा लेकिन व्हाट वी हैव टू थिंक इस पहले हमें अपना जो सिस्टम है उसको अच्छा करना है जुडिशरी स्टार्ट फंक्शनिंग इन अ प्रॉपर वे लेजिस्लेचर स्टार्ट फंक्शनिंग इन अ प्रॉपर वे एग्जीक्यूटिव स्टार्ट फंक्शनिंग इन अ प्रॉपर वे तो ओवरऑल अपने आप अप चीज़ें अच्छी हो जा हो जाती हैं लेकिन इन दोनों के बीच में अगर ओपिनियन एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा मिस्ट्रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर ऐसा वो बोले ये खराब है वो बोले ये खराब है तो वहाँ पर एक चैलेंज आपका अलग तरीके का एक चैलेंज जो है वो एराइज uh, uh, हो जाता है यहां पे आपको समझना है कोई भी जो इंस्टीट्यूशन में काम करता है वो इंडिविजुअल देखो अगर एक इंडिविजुअल बायस्ड है सपोज आप और हम हैं है ना हम वी आर वी आर एज ए इंडिविजुअल हम अगर एक ओपिनियन कैरी करते हैं हम एक आइडियोलॉजी कैरी करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज बाइज इट इज़ अगेंस्ट अ डेमोक्रेसी ठीक है कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर बायस होती है चाहे वो मीडिया हो चाहे वो लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे जुडिशरी हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बाइज्ड होगी तो वो चीज़ें मतलब किसी किसी भी डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए जो है वो अच्छी नहीं होगी तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है अपना ओपिनियन आप दे सकते हो क्वेश्चन देख लो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ग्रे वाटर ग्रे वाटर रिफर्स टू वेस्ट वाटर फ्रॉम टॉयलेट सिस्टम मोर सेवेंटी परसेंट ऑफ द फ्रेश वाटर अक्रॉस रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया गेट्स कन्वर्टेड इन टू ग्रे वाटर ग्रे वाटर कंटेन्स मोर पैथोजन देन डोमेस्टिक वेस्ट वाटर करेक्ट आपको बताना है ठीक है तो यहां पे आंसर uh, जो है इसका टू ओनली है ग्रे वाटर रिफर टू वेस्ट वाटर फ्रॉम नॉन टॉयलेट सिस्टम दैट इज वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन सिंक और ये ठीक है उसका ग्रे वाटर कंटेन फीवर पैथोजन डोमेस्टिक वेस्ट वाटर से अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा आप रीड कर लेना मेंस का क्वेश्चन देख रहे हो थ्रस्ट फॉल्टिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ क्विक इन पेरू एक्सप्लेन आज का मेंस का क्वेश्चन है सेशन लाइव देख रहे हो लाइक बटन जरूर से प्रेस करना है ग्यारह बजे आपके आंसर राइटिंग का जो सेशन है वो आपका होगा लाइव सेशन होगा जो हमारा चल रहा है और अन एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं यूज द कोड एस पी एल आई वी इसका पी डी एफ का जो लिंक है वो आपको एक ग्रुप है नया आई हैव क्रिएटेड वहाँ पर आपको अपना आंसर पोस्ट करना है प्लस उस वहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा कि जो आपको पी डी एफ डाउनलोड करना है ठीक है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में तो आप देख लेना ठीक है सो so आज के लिए इतना ही थैंक यू एवरी वन लिट्स क्रिकेट